आज नाश्ते में हमने बनाया रागी का क्रिस्पी डोसा, साथ में नारियल की चटनी। यहाँ पे रागी डोसा बनाने के लिए उड़द की दाल का इस्तेमाल नहीं करा है, मूंग की दाल का इस्तेमाल करा है, चावल का। सारी चीज़ों को 8 घंटे के लिए हमने भीगने के लिए रख दिया था, क्योंकि मूंग की दाल बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है भीगने में। और सारी चीज़ों को मीन रागी को अलग पीसा है, मूंग की दाल चावल को अलग पीस के बैटर को मिक्स कर लेंगे। बैटर को फर्मेंट करेंगे 6 घंटे के लिए। हेलो एवरीवन, आज दोपहर का खाना काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर, आयरन रिच भी इसको ध्यान में रख के बनाया। इससे कैसे पूरा खाना खा लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी भूख नहीं लगती और वज़न बढ़ने का भी डर नहीं रहता है अगर मॉडरेशन में खाएं तो। तो यहाँ पे मसूर की दाल बना रहे हैं। जनरली मसूर की दाल किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन हेल्दी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एक दो चीज़ें चेंज कर देते हैं ना, एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दाल को 4 घंटे पहले हमने भीगने के लिए रख दिया था, इससे बहुत जल्दी से दाल बन जाती है। तो यहाँ पे कुकर में डाला है। बस मसूर की दाल में हमें लगता है ना, थोड़ा सा भी ज़्यादा देर तक पक जाती है तो जो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती है, मैश हो जाती है ना, फिर उससे टेस्ट नहीं अच्छा आता दाल का। तो इसलिए बस एक सीटी में हमने गैस को ऑफ कर दिया है। पकाते टाइम पर इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक हमने डाल दिया था, लेकिन जब बाद में तड़का लगाते हैं ना, तो दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ जाता है। तो सारी प्रिपरेशन हमने कर ली, टमाटर का पेस्ट भी बना लिया है और बस पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी, इसमें ज़ीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल और काफ़ी पौष्टिक लंच बन के रेडी हो जाता है। लेकिन हाँ, कसूरी मेथी बहुत ज़रूरी डालना, इससे बहुत ज़्यादा मीन दाल का टेस्ट ना कई गुना बढ़ जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी, धनिया डाल दिए, कलर के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और बस टमाटर डालेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे जब तक इसका जो ऑयल हमने घी डाला है वो रिलीज़ ना हो जाए। वैसे ज़्यादा घी तो हमने इस्तेमाल ही नहीं करा है। दाल डालेंगे एंड में, गरम मसाला ज़रूर डालेंगे और थोड़ा सा घी वापस से डालेंगे और बस इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि दाल वैसे ही पकी हुई है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल बन के रेडी हो जाती है। दाल के साथ थोड़े सब्जियों को स्टर फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रोकली, मशरूम, पनीर, सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल करी हैं और इसके अंदर हमने कुछ भी मसाला वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करा। थोड़े से बटर में यहाँ पे गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, नमक डाल के इसे कवर करके रख देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम रागी का डो बना रहे हैं, रागी के आटे का। तो यहाँ पे ना पैन में 1 कप पानी लिया, साथ में 1 कप ने रागी का आटा डाल दिया। 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा ही पानी डालेंगे तो उससे आटा जो है एकदम सॉफ्ट बनता है और रोटियाँ साइड में बहुत ज़्यादा क्रैक नहीं होती हैं, सॉफ्ट रोटियाँ बन के रेडी होती हैं। तो पानी में, गर्म पानी में डालने के बाद 2 मिनट के लिए पका लिया आटे को और बस इसको जो एकदम ठंडा हो जाएगा तब इसका डो बना लेंगे और बहुत ही सॉफ्ट सा डो बन के रेडी होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारी सब्जियाँ भी थोड़ी सी पक गई, इसे बहुत ज़्यादा पकाया नहीं हमने और पनीर डाला है, इसमें टमाटर का पेस्ट डाला जो कि पहले से बना के रखा होता है। इससे ना तुरंत कुछ भी बनाना और डाल दें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस हमारा सब्जियाँ स्टर फ्राई हो गई हैं। यहाँ पर रायता बना लेते हैं, खीरे का रायता बनाएंगे। और गर्मी के मौसम में खीरा तो सभी को ही पसंद होता है और रायता भी सभी को बहुत पसंद आता है खाने के साथ में। हेल्दी भी रहता है, हेल्दी फैट्स भी इसके अंदर रहते हैं, प्रोबायोटिक्स भी रहते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ हमने ऐड कर दी, थोड़ा प्याज, टमाटर और तड़का लगा दिया, उससे रायते का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। और लास्ट में बस बना लेते हैं रागी के आटे की रोटी। जिस तरीके से इसका डो बनाते हैं ना, इस तरीके से मतलब पानी पका देते हैं तो रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। किसी किसी को सॉफ्ट रोटियाँ पसंद आती हैं, किसी किसी को थोड़ी सी क्रिस्पी वाली पसंद आती हैं। हल्का हल्का सा ही क्रैक था तो हमने चाकू से निकाल दिया है। आप चाहें तो ना ढक्कन से भी काट सकते हैं, तो उससे किनारे बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं है रोटी में। इस तरह की रोटी बनाते हैं, बहुत अच्छी टेस्टी भी लगती है, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम रिच रहती है, पेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहती है। तो यहाँ पे हेल्दी, न्यूट्रिशियस, पौष्टिक थाली हमारी बन के रेडी हो जाती है। इसके अंदर बहुत ही कम तेल मसाला हमने इस्तेमाल करा है, आप देख सकते हैं। वज़न कम करना हो या फिर प्री डायबिटीज़ हो, आप इस तरीके से लंच बना के इंजॉय कर सकते हैं, जो कि कम तेल मसाले में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी भी रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम अपना लंच इंजॉय करने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।